मेरा नाम विचित्र सिंह है, मैं फील्ड कान को धर्मशाला सेकंड में तहसील ऑफिस धर्मशाला की तरफ से। ये सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही थी जो ज़्यादा वायरल हो रही थी, उसको देखने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया और प्रशासन की तरफ से हमें यहाँ भेजा गया है। हमने सिर्फ बच्चे के साथ मिल के बात की, इससे पता लगा कि ये बेचारा जो बच्चा छोटा सा, इतना छोटा सा बच्चा है, अभी आप देख रहे हैं कोविड महामारी के तहत इतने सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो हमारे इस वायलेशन कर रहे हैं, कानूनों की अवहेलना हो रही है, इतनी सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रख रहे ख्याल और मास्क नहीं पहन रहे हैं। वहीं इस बच्चे को, जो बच्चा ये मतलब कोविड इस महामारी के तहत लोगों को जागरूक कर रहा है, तो ये एक बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली एक वीडियो थी, बात थी। और इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ पे आए और इस बच्चे से मिले और प्रशासन की तरफ से इसको जो हो सकती थी थोड़ी बहुत हमने कपड़े वगैरह देके कुछ हेल्प की है। अब उसके इसके पेरेंट्स से मिलेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या इसकी कैसे मदद की जा सकती है। मेरा नाम है जी कैलाश डोभाल। ये ऐसा हुआ कि अभी 5 जुलाई की बात है, काफ़ी भीड़ भड़का था यहाँ पे। अचानक मैंने देखा बाहर कुछ जो है शोर जैसा हो रहा है, मैं अपनी दुकान में बैठा था, देखा बाहर शोर जैसा हो रहा है, तो देखा एक बच्चा जो है बड़े लोगों के बीच में जो है उलझ रहा है, तो कुछ लोग तो उसको धक्का भी दे रहे हैं, कोई कह रहा हट पर है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो लेकिन वो बच्चा जो है उनसे बार बार बोल रहा था कि मास्क कहाँ है, मास्क कहाँ है, ओए तेरा मास्क कहाँ है, और मास्क क्यों नहीं लगाया जेब में रखने के लिए। तो मैं बाहर देखा, मैंने उसको देखा कि ये क्या बात क्या हुई है। मैं बाहर निकल के देखा तो वो बच्चा उनके बीच में था। मैं उसको बुलाया, मैंने उससे कहा कि तू लोगों से बोलता है मास्क किधर है, तू तो पहना ही नहीं, तो ये तो ठीक नहीं है, जब तूने नहीं पहना तो तू दूसरों कैसे बोलता है। तो उसको ये बात पता नहीं क्या लगी क्या नहीं लगी, वो तुरंत गया और विद इन 4-5 मिनट वो आ गया। और उसके बाद उसने क्या किया जी, कि एक मास्क कहीं से ले आया और पता नहीं कहाँ से पैदा किया उसने, और एक प्लास्टिक का डंडा ले आया। उसके आने के बाद उसने जो है लोगों को यहाँ पे फिर बस रोकना शुरू कर दिया, और ना वो छोटा देखे ना वो बड़ा देखे, और लोगों को झिझक भी बहुत हो कि ये इतना सा बच्चा हमको टोक रहा है, और लोग बिना मास्क के भी थे, लेकिन वो बेचारा अपना मास्क करता रहा, मास्क किधर है। तो लोगों ने जवाब भी दिया, कुछ ने मजाक में ले लिया, कुछ ने ऐसे में, लेकिन वो जितनी भी देर यहाँ पे रहा उसने लोगों को मास्क के लिए मतलब एक टाइप का शर्मिंदा तो जरूर किया, ये तो मतलब देखने की बात थी। जिस काम को प्रशासन को करना चाहिए, पुलिस को करना चाहिए, क्योंकि ये तो मैं देखता हूँ इतना भीड़ का भीड़, हजूम का हजूम चल रहा है, लेकिन कोई उनको टोकने ही वाला नहीं है। कम से कम आदमी टोके तो सही, लेकिन वो इतना सा बच्चा, उसके दिमाग में क्या आया, उसको किसी ने नहीं बोला, किसी ने सिखाया नहीं, बोला नहीं, लेकिन वो खुद ही जो है एक तरह से वो तैनात हो गया और लोगों को जो टोकता रहा कि मास्क दिखाओ, मास्क क्यों नहीं पहना, जेब में क्यों रखा है। तो बड़ा अच्छा मुझे लगा, तो मुझे लगा कि यार मुझे नहीं पता था ये इतना वायरल हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा कि यार एक कॉमन सी चीज़ है, लोगों को कम से कम थोड़ा अवेयर होने में ये जो है मदद तो करेगी और लोगों को थोड़ा शर्म भी आएगी इसको देख के। जो ये विश्व में कोविड की महामारी चल रही है, इसमें हमने देखा कि बड़े बड़े लोग जो हैं और जो भी मतलब एज्ड पीपल हैं, टूरिस्ट के तौर पर यहाँ पर आए हैं, वो मास्क जो नहीं पहन रहे हैं, उनको इस बच्चे ने 2 दिन पहले सिखाया कि आपने मास्क नहीं पहनना है, जो कि एक गलत बात है। और इस बच्चे ने इस महामारी को अपने छोटे से उम्र में एक बहुत बड़ी महामारी समझा है, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या दूसरे एज्ड पीपल हैं, ये लोग नहीं समझ रहे हैं। तो इस छोटे से बच्चे के दिमाग में छोटी सी कुछ टीस पैदा हुई थी, तो जब इसको हमने पूछा कि आप इस तरीके से आप लोगों को क्या बता रहे थे, तो इसने ये कहा कि मैं यहीं मैकलो चौक पर, और मेरे माँ बाप गुब्बारा बेचते हैं, और मैं पुलिस को भी देखता हूँ, पुलिस मास्क पहनने के बारे में बताती रहती है, और इसी तरीके से मैं भी समझता हूँ मास्क लगाना ज़रूरी है, तो मैंने इसीलिए लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया था।
और मुझे लगता है ये बहुत जरूरी था, लेकिन मुझे भी एक संदेश देना है लोगों को, पर्यटक को। हिमाचल का एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन मैक्लोडगंज है और इसके आसपास के इलाके हैं, और हम भी, पुलिस भी और आम जनता भी, लोगों से, टूरिस्ट से ये आशा करती है कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जब भी आएँ तो मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि इससे बहुत बड़ा बचाव है। मास्क को एक वैक्सीनेशन की तरह से समझा जाए, जो कि इस बच्चे ने इसकी गंभीरता को समझा और इसके दिमाग में जो एक तूफान पैदा हुआ तो इसके उसके परिणाम स्वरूप इसने लोगों को जागरूक किया है।